बने हुए हैं यहाँ पे और जंगल है। वेलकम बैक टू लाइफ रीसेट प्लस अगेन। तो आज हम करने वाले हैं काला टॉप का दौरा। जैसे कि आपने पिछले वीडियो में देखा, हम खजियार से काला टॉप जा रहे थे, तो हमने यहाँ पे मेन एंट्री पे एक पर्ची कटा ली 200 रुपये का। और इस मेन एंट्री से काला टॉप अराउंड 3 किलोमीटर्स है। तो शुरू होती है हमारी काला टॉप का सफर। बता दूं कि काला टॉप जो एरिया है ये डलहौसी से 12 किलोमीटर की दूरी पर है और खजियार से भी अराउंड 11-12 किलोमीटर की दूरी पर है। तो देखा जाए तो ये जगह बीच में पड़ता है, घने जंगलों के बीच और खूबसूरत देवदार पेड़ों के बीच से होते हुए गुजर रहे हैं। और इसका भी एक अलग ही एक्सपीरियंस है। जैसे कि आप देख सकते हैं, रास्ता थोड़ा सा छोटा है और रास्ता थोड़ा सा खराब भी है। अगर आप चाहें तो पैदल ट्रेकिंग करके भी आप आ सकते हैं। ट्रेकिंग करने के लिए शायद कोई पर्ची नहीं कटती है, पर फिर भी आप मेन एंट्रेंस में एक बार चेक कर लीजिएगा, क्योंकि गवर्नमेंट के नियम कभी भी बदल सकते हैं। पर हमने देखा कि इन घने जंगलों के बीच से गुजरते हुए जाने में शायद ट्रेकिंग करके जाने में थोड़ा सा डर लगे, इसीलिए साथ में गाइड या तो फिर ग्रुप में आया कीजिए। अकेले ट्रेक करके जाना रिस्की हो सकता है, क्योंकि ये काला टॉप वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, तो हो सकता है कि यहाँ पे कुछ वाइल्ड एनिमल्स हो, तो इसीलिए सावधानी बरत के आइए। काला टॉप वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जिसे काला टॉप वन्य जीव अभयारण्य भी कहा जाता है, जो हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में स्थित है और डलहौसी के प्रमुख पर्यटन स्थलों में शामिल है। काला टॉप नाम का अर्थ काली टोपी है, जो संभवतः अभयारण्य में सबसे ऊंची पहाड़ी पर घने काले वनों को बताते हैं। काला टॉप वनस्पति और जीवों में काफी समृद्ध है और इसकी प्राकृतिक सुंदरता पर्यटकों को अपनी तरफ बेहद आकर्षित करती है। ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये अभयारण्य उन लोगों के लिए एक अच्छी जगह है जो अपने परिवार और दोस्तों के साथ कुछ क्वालिटी टाइम बिताना चाहते हैं। अगर आप अपनी यात्रा को और भी ज़्यादा खास बनाना चाहते हैं तो यहाँ हरियाली के बीच पिकनिक भी मना सकते हैं। जब भी आप डलहौसी के पर्यटन स्थलों की सैर करने के लिए जाएँ तो इस अभयारण्य को भी अपने लिस्ट में जोड़ लें। जो भी पर्यटक काला टॉप वन्य जीव अभयारण्य की यात्रा करता है, उसको अपनी ये यात्रा जीवन भर याद रहती है। काला टॉप एक काला घना जंगल है जो कि ओक देवदार पेड़ों से घिरा हुआ है। यहाँ पे तरह तरह के पशु पक्षियां जीव इत्यादि पाए जाते हैं। काला टॉप में है, व्यू पॉइंट्स बने हुए हैं यहाँ पे और जंगल है, पर व्यू बहुत ही अच्छा है, देख सकते हैं। हम फिलहाल यहाँ पे लंच करने वाले हैं। नीचे एक होटल है, ये उनका छत है, टेरेस है, यहाँ पे हम अभी लंच करेंगे। अभी बजे हैं 1:10, तो यहाँ से थोड़ा सा फोटो वोटो क्लिक करके हम निकल जाएंगे डैनकुन पीक के लिए। तो अपना राजमा चावल, फिलहाल ये कर रहे हैं राजमा चावल और मेरे लिए मैगी आने वाली है। और ये देखिए व्यू, इस व्यू के साथ खाने का एक अलग ही मजा है, देख सकते हैं व्यू, क्या व्यू है।
यहाँ पे कुछ एडवेंचर पॉइंट्स भी है, आप चाहे तो कुछ एडवेंचर कर सकते हैं। और ये देखिए व्यू, वहाँ पे देखिए वो स्नो पीक माउंटेन्स है चारों तरफ। कम समय में हमने यहाँ पे बहुत ही अच्छा टाइम स्पेंड किया और समय आगे आगे चलता जा रहा था और हमें यहाँ से जाना पड़ेगा। यहाँ पे स्थानीय लोगों से मिलके भी बहुत ही अच्छा लगा। दोपहर का वक्त हो चला था और समय की कमी होने के कारण हमें काला टॉप से आगे की ओर प्रस्थान करना पड़ेगा। सच में हिमालय के गोद में बसा ये जगह भी मन को मोह कर देने वाला था। हमने यहाँ पे कुछ जीव जंतु तो नहीं देखे, पर जी हाँ, घने जंगलों के बीच आके बहुत ही मन को शांति मिली। यहाँ पे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के भी लोग रहते हैं और यहाँ पे कुछ होम स्टेज भी बनाए गए हैं। तो आप जब भी यहाँ पे आए, आप चाहे तो यहाँ पे भी रुक सकते हैं, आप चाहे तो यहाँ पे एडवेंचर एक्टिविटीज भी कर सकते हैं, पर समय की कमी के कारण हमने वो एक्टिविटीज नहीं की और हमें अभी आगे डाइनकुंड पीक के तरफ प्रस्थान कर रहे हैं। आशा करती हूँ कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया है। पसंद आया है तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए, क्योंकि आपके कमेंट से मुझे प्रेरणा मिलती है। और वीडियो अगर अच्छा लगा रहा है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, और नए हैं तो भी प्लीज़ बता दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। जय हिंद, जय भारत।